हेलो एवरीवन, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज कंट्रोल सिस्टम, KEC 602। इसका सब्जेक्ट कोड है AKTN के अकॉर्डिंग। इस सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग कुछ सिस्टम के बिहेवियर्स देखेंगे कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है, किस किस टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स आपके होते हैं, जैसे ओपन लूप, क्लोज लूप, टाइम इनवेरिएंट, इस टाइप के जो सिस्टम्स हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, कुछ इनके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने ब्लॉक डायग्राम की और सिस्टम ब्लॉक डायग्राम की, और हम ये देखेंगे कि हम सिस्टम ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिस्टम ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके क्या क्या मेथड्स हैं। मींस एक मेथड आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का, और दूसरा मेथड आप देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू, मींस मेसन गेन फॉर्मूला। ठीक, और इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही एक इंट्रोडक्शन आपके पास आएगा कुछ मैकेनिकल सिस्टम्स का और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का, कि अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आपके पास हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट। बेसिकली इस पूरे सिलेबस में हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू सिस्टम की एनालिसिस करनी है कि सिस्टम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, पैरामीटर्स क्या क्या है। ठीक ना, तो हमें करना क्या है, एक ट्रांसफर फंक्शन मेथड के थ्रू सिस्टम का एनालिसिस करना, मतलब हमें लीनियर सिस्टम का ही, LTI सिस्टम की एनालिसिस करनी है। हाँ, कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन के रूप में आपका जो है नॉन लीनियरिटी का भी आ जाता है, और जो दूसरा मेथड है स्टेट स्पेस एनालिसिस उसका भी कुछ पार्ट आता है आपके सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो सिर्फ वो सेकेंड यूनिटी है जो कि आपको थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी की ओर ले जाएगी और स्टेट स्पेस एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देगी, बाकी हर जगह आप ट्रांसफर फंक्शन मेथड से ही सिस्टम की एनालिसिस करेंगे। राइट, कुछ स्टेट स्पेस एनालिसिस का यूज आपके स्टेबिलिटी पार्ट में भी दिखाई देगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि ट्रांसफर फंक्शन मेथड का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ना यूनिट वन। यूनिट वन में इंट्रोडक्शन पार्ट है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सिग्नल्स क्या है, सिग्नल्स वो वेरिएबल्स हैं या वो कैरियर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। सिग्नल्स वो कैरियर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, from one node to another node। ठीक है, और टेस्ट सिग्नल्स क्या है, जैसे अगर कोई सिस्टम हमारे पास है, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और इसका सिस्टम फंक्शन h है, इस सिस्टम को अगर हमें टेस्ट करना है, इसके कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ आउटपुट्स होंगे। किसी भी सिस्टम का जो आप सिस्टम डिजाइन करेंगे वो सिस्टम का कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक इनपुट और आउटपुट नहीं है तो सिस्टम का डेफिनेशन ही पूरा नहीं होगा। सिस्टम का डेफिनेशन क्या कहता है कि सिस्टम इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, रिसीव्स सिग्नल एंड गिव्स आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनपुट। ठीक, इसका मतलब है कि एक सिस्टम में इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। तो किसी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमें इस सिस्टम का इनपुट पता होना चाहिए, और वही पता है तो हमें कुछ ऐसा इनपुट देना होगा जिसका आउटपुट हमें पता हो, जिसकी मैथमेटिकल एनालिसिस हम इजीली कर पाए और हम ये बता पाए कि इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे मान लिया अगर ये एक कॉन्वोल्यूटर है, सिस्टम मान लिया अगर एक कॉन्वोल्यूटर है तो कॉन्वोल्यूशन हमेशा किसी को सिग्नल्स का, ठीक ना, तो यहां से एक इनपुट आएगा
और एक इनपुट ये सिस्टम फंक्शन। और अगर हम दो इनपुट का ऑप्शन देते हैं तो एक इनपुट यहां से आएगा एक इनपुट यहां से आएगा और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हम करेंगे आउटपुट यहां पे ले। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि हमें इनपुट्स चाहिए और आउटपुट चाहिए। तो जनरली हमारे पास जो रियल लाइफ में सिग्नल्स आते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स होते हैं कि अगर हम उनको इसमें टेस्ट करने के लिए दें तो उसको हम एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिकली एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे तो इसका आउटपुट होना क्या चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ टेस्ट इनपुट्स हैं, कुछ टेस्ट इनपुट्स हैं, इन टेस्ट इनपुट्स को हम सिस्टम में देते हैं और ये टेस्ट इनपुट्स ऐसे होते हैं, इतने बेसिक होते हैं कि इनका हमें आउटपुट पता होता है, अगर नहीं पता तो इनकी एनालिसिस हम इजीली कर पाते हैं, मैथमेटिकली एनालिसिस इसके इजीली कर पाते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि इसका मैथमेटिकल आउटपुट क्या आना चाहिए। और अगर सिस्टम का आउटपुट इन इनपुट्स पर ये या इसके जैसा आता है इसका मतलब कि सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब कहीं सिस्टम में फॉल्ट है और हमें उस फॉल्ट को रिमूव करना है। ठीक, तो वो टेस्ट इनपुट्स क्या होते हैं, वो टेस्ट सिग्नल्स क्या होते हैं। तो टेस्ट सिग्नल्स बेसिक सिग्नल्स हैं जैसे यूनिट स्टेप्स, यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट इंपल्स, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, साइनोसोइडल सिग्नल। ये सारे सिग्नल्स कैसे हैं, बेसिक सिग्नल्स, टेस्ट सिग्नल्स इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कह सकते हैं, टेस्ट सिग्नल्स। ठीक है, अब इनके सबके सामने यूनिट लिखा हुआ है, मतलब ये है कि ये सारे सिग्नल्स यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ हैं, मतलब इन सारे सिग्नल्स का जो है t इज इक्वल टू 0 से पहले कोई एग्जिस्टेंस, मतलब ये कि हम ये जितने भी सिग्नल ले रहे हैं ये सारे कैसे हैं, कॉजल सिग्नल्स, कैसे हैं कॉजल सिग्नल्स हैं, इनका t इज इक्वल टू 0 से पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट्स t लेस देन 0 पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है, अगर हम यहां से ये यूनिट हटा दें तब ये जो सिग्नल्स हैं ये फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी है। हम क्या करते हैं जितने भी सिग्नल्स हैं इन सबको हम यूनिट स्टेप या यूनिट के साथ लेकर चलते हैं जो कि सिर्फ जीरो से लेकर इनफिनिट तक वैल्यू है। हमें टेस्ट करना है ना किसी सिस्टम को, जब टेस्ट करना है किसी सिस्टम को तो हम वो सिस्टम वो सिग्नल्स लेंगे जिसको कि हम इजीली ट्रेस आउट कर पाए। ठीक है, और इजीली ट्रेस आउट हम इसको कर पाएंगे जो कि हमारे t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है या जिस टाइम हम सिग्नल को दे रहे हैं उसी टाइम से उसकी वैल्यू आ रही है, उसी सिग्नल को हम ट्रेस आउट कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक, तो इस वजह से हम जो सिग्नल्स लेते हैं ऐसे सिग्नल्स लेते हैं जो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, और इन सिग्नल्स का आउटपुट क्या होना चाहिए, इन सिग्नल्स का आउटपुट क्या होना चाहिए इसका एक आइडिया हमारे पास है। ठीक ना, इसका एक आइडिया हमारे पास है, और अगर नहीं भी है तो सिस्टम के मैथमेटिकल इक्वेशन से जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम इस सिग्नल का आउटपुट क्या आना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि क्या हमारे सिस्टम का आउटपुट
दीज आर टेस्ट सिग्नल्स। अब स्टेप सिग्नल का अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो स्टेप सिग्नल का एग्जांपल क्या होगा, आपके घर में लाइट फैन ये सारे किससे कंट्रोल करते हो, स्विचेस, किससे कंट्रोल करते हो, स्विचेस। जब स्विच के पास गए उंगली प्रेस की स्विच ऑन, प्रेस की स्विच ऑफ, कुछ डिले है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपने प्रेस किया, जैसे ही आपने प्रेस किया अगर वन पे है तो तुरंत जीरो, जीरो पे है तो तुरंत वन हो रहा है, ये तो हो रहा है। सर मतलब कि आप या तो एक स्टेप डाउन जा रहे हैं या एक स्टेप अप जा रहे हैं, तो ये सिग्नल कौन सा हुआ, स्टेप सिग्नल। ये स्टेप सिग्नल, ये कौन सा सिग्नल हुआ, स्टेप सिग्नल, ठीक है। चल फैन को आप कंट्रोल करते हो रेगुलेटर से, रेगुलेटर से आप कंट्रोल करते हो, यहां से यहां तक आपका जो है ये रेजिस्टेंस पार्ट है ना, और जब आप यहां से घर आते हो तो ये कंप्लीटली कनेक्शन होता है, फ्रीली कनेक्शन होता है बिना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो आपका नॉब घूमता है पूरा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक ना, पूरा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्लियर है। अब वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से आपकी करंट क्या हो रही है, कम फ्लो हो रही है। तो जैसे जैसे आप अपना रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप उसको वैरी कराते हैं, वैसे वैसे आपकी करंट कम होती जाती है, और जैसे जैसे आप उसको रेजिस्टेंस को कम करते हैं आपकी करंट बढ़ती जाती है, ठीक ना। तो ये कौन सा सिग्नल हुआ, ये एक रैंप सिग्नल, ये क्या हुआ, एक रैंप सिग्नल हुआ। करंट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट कम होगी स्पीड वैसे वैसे, ठीक है। ये कौन सा सिग्नल हुआ, रैंप सिग्नल हुआ। इंपल्स सिग्नल, इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो कैसा होगा कि आप और आपका एक फ्रेंड आमने सामने खड़े हो, किसी बात पर आपको गुस्सा आया, आपने एक चाटा मारा खींच, अच्छा अभी वो सोच रहा है तब तक आपने एक चाटा मार दिया, फिर से वो सोचने लगा कि अब क्या, ये कंडीशन क्या है, इंपल्स। आपने क्या सिग्नल दिया, एक इंपल्स सिग्नल, आपने पुश किया, पुश किया तो ये क्या आया, एक इंपल्स आया, मैंने इस बोर्ड पर मारा मेरे हाथ पर भी चोट लगी, ये क्या है, इंपल्स, ठीक ना। अगर ये चोट थोड़ी देर तक लगती रहती तो वो इंपल्स नहीं था, लेकिन वो एक झटके में चोट लगी है, दिस इज इंपल्स। पैराबोलिक सिग्नल, लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, दोनों केसेस में आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू में लिफ्ट धीरे चलती है, बीच में थोड़ी तेज हो जाती है, फिर उसके बाद रुकते टाइम स्लो हो जाती है। तो ये जो लिफ्ट की स्पीड है, ये स्पीड क्या है, मोशन क्या है, पैराबोलिक ना, ये मोशन कैसा है, पैराबोलिक, ठीक है। और साइनोसोइडल तो आप सबको पता है कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो साइनोसोइडल टाइप की ही होती है, साइन वेव आप इसको बोलते हो, ठीक। तो ये इस टाइप के कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं, साइनोसोइडल में साइन भी होता है, कॉस भी होता है, तो कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं जिनको, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सिग्नल जनरेट हो सकते हैं और इनका मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है। जैसे यूनिट स्टेप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूपी से, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज। यूनिट रैंप है, आर टी रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, अगर टी आपका फंक्शन है,
as t greater than 0, it is t. और इसको ऐसा ना कहके अगर आप यूनिट स्टेप ना कहें सिर्फ स्टेप कहें तो rt is equal to t. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू होगी. इसके साथ आप ए टी भी कर सकते हैं, ये भी एक रैंप ही होगा, ए स्केलिंग फैक्टर आ जाता है. ठीक. नेक्स्ट इज इंपल्स डेल टी. डेल टी क्या है? दिस इज वन कह सकते हैं, इसकी वैल्यू हम वन मान लेते हैं. मतलब कि टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन जब हम यूनिट स्टेप यूनिट इंपल्स की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू वन मानते हैं. अदरवाइज जब इंपल्स आता है तो इंपल्स जरूरी नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड वन ही होगा. आप चाटा मार रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धीरे ही मारेंगे, वो बहुत तेज भी हो सकता है, बहुत धीरे भी हो सकता है. तो इसकी इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता. अगर हम इसको यूनिट इंपल्स ना कहें तो इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है. मींस t is equal to 0 पर ही इसकी वैल्यू होगी चाहे जो, और बाकी जगह उसी राइट. और पैराबोलिक सिग्नल इसका बनता है t स्क्वायर. इसमें भी आप t लगा सकते हैं या b लगा सकते हैं, t स्क्वायर. ठीक है, ये पैराबोलिक सिग्नल का बनता है. और साइनोसोइडल का अगर हम लिखें x t, ये बनता है a साइन ओमेगा. ठीक है, तो ये बनता है आपका बेसिक सिग्नल्स का मैथमेटिकल फंक्शन. ठीक है जी, बेसिक सिग्नल्स का मैथमेटिकल फंक्शन. तो आपको इंटरेस्ट सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए. हालांकि सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इतनी चीजें आपको ध्यान रखते नहीं हो, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अभी तक अगर याद नहीं रखते हो तो अब कम से कम जो चीजें पढ़ रहे हो वो याद रखो, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. ठीक है, some examples of control system applications. Smart transportation system. Smart transportation system. आजकल जितने भी transportation systems आप देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ smartness दी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ smartness दी हुई है. हर एक transportation system में कुछ ना कुछ smartness दी हुई है. जैसे अनमैंड व्हीकल आ गए, अनमैंड व्हीकल आ गए कंप्लीटली स्मार्ट. दूसरा, आप गाड़ी चलाते हो, अगर एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग तुरंत खुल कर आता है, एयरबैग तुरंत खुल कर आता है, वो भी क्या है, स्मार्ट. आजकल आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो कि अगर नींद आ जाए या ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहा है तो इंजन ऑफ हो जाए, वो भी चीजें इंप्लीमेंटेड हैं कुछ गाड़ियों में, वो भी क्या प्रोवाइड कर रही है, स्मार्टनेस. तो ये सब स्मार्टनेस, आप जितनी स्मार्टनेस देंगे सिस्टम में उन सब के लिए आपको एक कंट्रोल सिस्टम देना पड़ेगा जो कि इन स्मार्टनेस को कंट्रोल करे. इंटेलिजेंट सिस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स, बायोमेडिकल और सर्जिकल सिस्टम्स. रोबोटिक्स, आजकल बहुत सारे रोबोट्स बन गए हैं, जैसे सोफिया, आपने नाम सुना होगा,
एक आप लोगों के सीनियर्स ने बनाया था जो पिछले टेक युवा में दिखाई दिया था, नाम उसका याद नहीं आ रहा है कि हम उसने दिया था, तो वो भी एक एग्जांपल था छोटा सा इंटेलिजेंट सिस्टम का। आप उसमें क्या करते हो, इंटेलिजेंस भरते हो, इंटेलिजेंस है नहीं उसमें, आप इंटेलिजेंस भरते हो, ठीक ना। तो जितने इंटेलिजेंस आप उसमें भरोगे वो उतना इंटेलिजेंट कहलाएगा। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से आजकल ऑपरेशन हो जाता है मशीनों के थ्रू, डॉक्टर कहीं दूर बैठा हुआ है और रोबोट आपके पास है, मशीन्स आपके पास है, डॉक्टर जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे मशीन्स काम करेंगी और आपका ऑपरेशन होगा, और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है, माइन्यूट ऑपरेशन होता है। तो वो सब एक इंटेलिजेंट सिस्टम, आपने उसमें वो इंटेलिजेंस दी हुई है, राइट। कंट्रोलिंग वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग एंड हार्डवेयर इन द लूप, वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग एंड हार्डवेयर इन द लूप। वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग क्या है, जैसे जब कहीं ड्राइविंग के लिए आपको भेजा जाए और आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आपको ड्राइविंग सीखनी होगी, तो कार बस ये सब जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इनको तो आप ड्राइव करके, बस तो नहीं कार है ना, जितने ये लग्जरी व्हीकल्स हैं इनको अगर आपको सीखना है तो अपने पार्क में ले जाते हो और वहां घुमा घुमा कर सीखते हो। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका ट्रेनर आपके साथ बैठ जाए और आप रोड पर घुमाते हो उससे सीखते हो। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको आपको सीखना है, उनको अगर आप रास्ते पर चलाओगे सीखोगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। उससे बचने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक सिस्टम बनाया गया है, वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल प्रोटोटाइप सिस्टम। आप उस सिस्टम में बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि आप उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो और आप रोड पर हो और अब आपको उसको चलाना है। ऐसे बहुत सारे गेम्स भी हैं, तो जब आप उसको चलाकर सीखेंगे तब जाकर आपको रोड पर उतरने दिया है। ऐसे ही प्लेन में है, जब आपको प्लेन चलाने के लिए कहा जाएगा तो पहले आपको सिखाया जाएगा इन वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग सिस्टम्स को, तब फिर आप प्लेन के पायलट के लिए आप जा पाएंगे। स्टीयरिंग कंट्रोल इन ऑटोमोबाइल, आजकल पावर स्टीयरिंग आ रही है, पावर स्टीयरिंग, किसी बड़ी से बड़ी गाड़ी को आप कितना भी मोड़ सकते हैं, कितनी भी कम जगह में मोड़ सकते हैं, उसका भी एक लिमिट है। लेकिन जहां पहले आप काफी जगह लेकर उसको मोड़ते थे, टर्न लेते थे, अब उससे काफी कम जगह में ही आप उसको टर्न लेते हैं, तो इसका भी एक कंट्रोल है। हर एक जितनी भी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस आप सिस्टम में देंगे, हर एक के लिए आपको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल सिस्टम देना पड़ेगा और आपको उस कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो कंट्रोल सिस्टम आप दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ही हो, कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में जानना है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग भी एक बॉडी है जिसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आप अगर कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपके पास सिग्नल आता रहता है कि आगे क्या है, आगे क्या हो सकता है, आपके पास फीडबैक होता रहता है और उस फीडबैक के बेस पर आप आगे का प्रोसेस करते हो, ठीक ना। तो कंट्रोल सिस्टम है जो कि आपको फीडबैक देता है, जो कि आपको आगे मूव कराता है। अगर वो कंट्रोल सिस्टम ना हो तो बस आप आगे चलते चले जाओगे और कहां जाओगे कुछ पता नहीं, आगे कंकड़ आ जाएगा, आगे कोई खाई आ जाएगी, आप सीधे उसमें जाओगे।
तो एक कंट्रोल सिस्टम है आपके बॉडी में जो कि आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि आगे बच्चा हो आगे खाइए। ठीक, इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स हैं। लूप कॉन्फ़िगरेशन इन कंट्रोल सिस्टम, देयर आर टू लूप कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली टू लूप कॉन्फ़िगरेशन इन कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट वन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड सेकेंड वन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो जब कभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास फीडबैक आता है कि आगे क्या है, तो ये क्या है क्लोज्ड लूप, पाथ पूरा हो रहा है ना, आगे मैंने देखा क्या है और उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास आया, पाथ पूरा हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या है ओपन लूप, क्या है ओपन लूप, मैं ऐसे आगे जा रहा हूं ये क्या है ओपन लूप। लेकिन अगर रास्ते में मुझे एक फीडबैक मिल रहा है कि आगे क्या है, ये क्या बन गया क्लोज लूप, जहां भी एक लूप बन जाएगा वो क्या कहलाएगा क्लोज लूप, और जहां लूप नहीं बनेगा वहां क्या कहलाएगा ओपन लूप। अब जहां लूप बनेगा वो किस वजह से बनेगा, क्योंकि हमें आगे से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें आगे से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, इस वजह से वहां लूप बनेगा। जब आगे से इंफॉर्मेशन मिल रही है मतलब आपके आगे के पास से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आगे बढ़ जाओ। आप जो है आजकल गूगल मैप ऑन करके बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो क्या देखते हो उसमें आपको इनपुट मिलता रहता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर यहाँ से यहाँ तक कितना जाम है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आपको जाम वाला रास्ता फॉलो करें, अब अगर माइल्ड होगा मॉडरेट होगा वो जाम तो आप उस रास्ते से जाएंगे थोड़ी देर में निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही जाम बहुत क्रिटिकल है, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ, तो आप क्या सोचोगे कि आप दूसरा पाथ है इधर से जा सकते हैं, तो आप दूसरा पाथ ढूंढने लगोगे, ठीक ना। तब मैं आपको बताएगा कि अगर दूसरा पाथ है तो आप उधर से जाओ, नहीं तो फिर इसी रास्ते से निकलो, क्या करो। लेकिन आया क्या आपके पास इंफॉर्मेशन ना, क्या आया फीडबैक। ठीक, तो जब भी आपके पास फीडबैक आएगा ये क्या बनेगा क्लोज, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक क्या रहेगा ओपन लूप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सिस्टम्स हम देखते हैं लाइफ में वो सारे सिस्टम्स क्या है क्लोज्ड लूप के नेचर, लेकिन उन्हीं क्लोज्ड लूप सिस्टम्स का एक पार्ट जब तक कि उसके पास कोई फीडबैक नहीं आता है वो पार्ट क्या कहलाता है ओपन लूप सिस्टम। ठीक, पार्ट क्या कहलाता है ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, तो जब तक किसी सिस्टम में फीडबैक नहीं आता है कौन सा होता है ओपन लूप सिस्टम, और जब किसी सिस्टम में फीडबैक आने लगता है तो वो कौन सा बन जाता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लियर है, क्लियर है जी। ओपन लूप सिस्टम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है आपका वाटर लेवल कंट्रोल, वाटर लेवल कंट्रोल,
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाटर लेवल कंट्रोलर है, तो ये तो ऑब्वियसली क्लोज लूप होगा, होना भी चाहिए। देखते हैं कैसे है। ये एक टैंक है और इससे ये निकल रहा है आउटलेट, इधर से इसमें है ये इनलेट, एक इससे इसमें पानी भर रहा है और इधर से निकल, ठीक। इस आउटलेट में हमने कंट्रोल लगा दिया, इस आउटलेट में हमने क्या किया, एक कंट्रोल लगा दिया, एक कंट्रोल लगा दिया, ठीक है। अब ये जो टैप है, ये टैप क्या करेगा, यहां से इस पानी को आउटलेट करेगा जितना की हमें जरूरत है, ठीक। अगर पानी ज्यादा निकल रहा है तो हम इसको बंद कर देंगे या बंद कर देंगे, पानी निकलने लगेगा, ठीक है। पानी वेस्ट हो रहा है तो हम इसको क्लोज कर देंगे ताकि बिल्कुल पानी ना निकले, और अगर पानी की ज्यादा जरूरत है तो हम बंद कर देंगे। इसके बाद एक सिस्टम है ऑटोमेटिक कंट्रोलर, इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर के पास है सेट पॉइंट, ये कंट्रोलर सेट। अभी ये कंट्रोलर क्या काम करेगा, अभी ये कंट्रोलर क्या करेगा, इसके पास जब तक कोई सेट पॉइंट नहीं, जब तक कोई सेट पॉइंट नहीं, अब सेट पॉइंट कहां से है, इस लेवल से हमने सेट पॉइंट को अटैच किया हुआ, यहां लगाया हुआ है एक ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, और ये जो ट्रांसड्यूसर है इसका आउटपुट सीधे डिस्प्ले का ना, ये ट्रांसड्यूसर बताएगा कि पानी का लेवल कितना है और वो डिस्प्ले होगा, ठीक। जब यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, चलो क्या लाइफ सिस्टम में देखो, पानी इस टोटी से खोल दिया गया है, पानी निकल रहा है, जब पानी का लेवल कम होगा तो इसको बंद करना है और मोटर ऑन करना है, ठीक ना। पानी का लेवल जब कम होगा तो इसको बंद करना है और मोटर ऑन करना है, और जब पानी का लेवल पूरा होगा तो इसको खोल देना है और मोटर बंद कर देनी है, ठीक ना, बात समझ में आई। जब पानी का लेवल कम होगा, एक सेट लेवल दिया है, जब उससे कम होगा तो इसको बंद करना है और मोटर ऑन कर देना जिससे पानी भर जाए, और जब पानी का लेवल ज्यादा होगा तो इसको खोल देना है और मोटर को ऑन कर देना, सॉरी मोटर को बंद कर देना, ठीक। ये इतना काम, तो जब तक ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, ध्यान देना, जब तक ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है कि पानी का लेवल कम है या पानी का लेवल ज्यादा है, ये इतना फंक्शन क्या है, ओपन लूप सिस्टम, ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम। और जैसे ही आपने ये देखा कि ये पानी का लेवल ज्यादा हो रहा है, इसको बंद कर दो या खोल दो, पानी का लेवल कम हो रहा है तो उसको बंद कर दो, तुरंत ये क्या हो गया, क्लोज लूप, क्योंकि आपने यहाँ से फीडबैक लिया। अगर आपने यहाँ पर इसको सेट पॉइंट से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मोटर को भी ऑन कर देगा, ठीक ना, और तब ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है। इसलिए ओपन लूप सिस्टम्स आर कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम,
ओपन लूप सिस्टम्स क्या है, स्टेबल तो है लेकिन एक कंडीशन के लिए है कि जब तक वो कंडीशन है तभी वो सिस्टम ओपन लूप होगा, अदरवाइज सिस्टम ओपन लूप नहीं होगा, वो क्लोज लूप जाएगा। देयरफॉर ओपन लूप सिस्टम्स आर कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, राइट? क्लियर है? इसके आगे इफेक्ट ऑफ फीडबैक है, अगले लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ फीडबैक देखेंगे, राइट? तब तक के लिए गुड बाय।